अरे यार, तो काम आपका है, कैसे पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैसे समय पर नहीं हो रहा है, ये तो सारा जवाबदेही सरकार के ऊपर है। तो आपको न करना है जांच पड़ताल, आपके सीबीआई जाते हैं तो आपके ही राजपाट में सीबीआई के ऊपर हमला हो रहा है, ये तो काफ़ी दुखद बात है ना। उम्र सीमा की बात जो छात्र कह रहे हैं, हम समझते हैं जो बाहरी छात्र यदि नहीं रहते तो वो लोग नहीं छटते, उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसके लाभ हमारे जो छात्र लोग डिमांड कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जो हम मेहनत करके उसकी भरपाई कर लेंगे। आप हमारे जो छात्रों का मांग है, जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित छात्रों को आप इस मांग पर आप अमल कीजिए। महागठबंधन की सरकार थी, उनके नेतृत्व में चल रही थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो मुख्यमंत्री तो वही है, अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं। उनको बिहार के नौजवानों के प्रति अगर है आस्था, जैसे महागठबंधन 17 महीना में इतनी बहालियां की, तो हम उनको कौन रोकता है इसमें बहाली करने के लिए। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांग की जा रही है। डोमिसाइल का मुद्दा हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, या फिर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर देखिए बिहार सरकार से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई विधायक व सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सूर्यकांत जी, कैसे देख रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे उठाई जा रही है, डोमिसाइल का मुद्दा हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, या फिर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, इन तीनों मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों का मांग जायज़ है, जो स्थिति अभी देश के अंदर है आप देख रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम से जो शुरुआत हो रही है उसका पेपर लीक पहले हो जा रहा है, और इस पर जिम्मेवारी सरकार नहीं ले रही है, कह रही है प्रतिपक्ष के नेता जो है वो जवाब दे। अरे यार, तो काम आपका है, कैसे पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम कैसे समय पर नहीं हो रहा है, ये तो सारा जवाबदेही सरकार के ऊपर है। हम लोग तो विपक्ष में, हम लोग तो आपको घेरेंगे ही, और ये तो आपको न करना है जांच पड़ताल। आपके सीबीआई जाते हैं तो आपके ही राजपाट में सीबीआई के ऊपर हमला हो रहा है, ये तो काफ़ी दुखद बात है ना। इसलिए हमारे जो छात्र हैं, जिनका जो काफ़ी मेहनत करके बाल बच्चे को उनके गार्जियन पढ़ाने लिखाने के लिए जमीन जाल बंदकी रख करके भेजते हैं पढ़ाने के लिए, और उनका समय पर एग्ज़ाम नहीं हो, ये दुखद बात है। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं जो समय पर आप एग्ज़ाम की गारंटी कीजिए। आज शिक्षक नियोजन की जो पिछले सरकार ने जो तैयार किया था खाका, और आपको सिर्फ एग्ज़ाम लेकर के उसको बहाली करना है, आपसे ये भी नहीं हो रहा है। डोमिसाइल की मांगे कर रहे हैं अभ्यर्थी, जिस तरीके से डोमिसाइल हटा दिया गया था, इसको देखते हुए कह रहे हैं डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि बाहरी छात्र तो बहाल हो जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको बहाल करके उनको बाहर निकाला जा रहा है, ऐसे में बिहारी छात्रों के साथ गलत हो रहा है। अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांगे उठाई जा नहीं, रही ये है। मांग सही है। हमारे राज्य में, खास करके बिहार राज्य हमारा है, यहाँ भी अच्छे से अच्छे हमारे छात्र हैं, और हम समझते हैं इनमें भी वो है आवेदन क्षमता, वो क्षमता है जो अच्छे से अच्छे ओहदे पर वो जा सकते हैं। और यूपी, झारखंड, जो भी से भी हमारे छात्र यहाँ आते हैं, ये सबसे पहले अगर हमारे बिहार बोलते हैं जो मैथ है, ये साइंस है, ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ नहीं हैं जिनका स्थान खाली रह जाता है, वो इसी बात नहीं है। कुछ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल के लिए छट जा रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट देने की जो मांग है वो कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उम्र सीमा में उनको छूट मिलना चाहिए। खैर, उम्र सीमा की बात जो छात्र कह रहे हैं, हम समझते हैं जो बाहरी छात्र यदि नहीं रहते तो वो लोग नहीं छटते, उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसके लाभ हमारे जो छात्र लोग डिमांड कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं जो हम मेहनत करके उसकी भरपाई कर लेंगे, आप एक बार तो हमें मौका दीजिए, ये भी मांग उनका जायज़ है, सरकार को करनी चाहिए। और हम भी मांग करते हैं अपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद की ओर से, और विधायक दल नेता होने के नाते भी सरकार से मांग करते हैं
कि हमारे जो छात्रों का मांग है, जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित छात्रों को आप इस मांग पर आप अमल कीजिए तो हमारे बिहार के जो हमारे छात्र हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, पूरा परिणाम भी मिलना चाहिए जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली में आप लोगों ने दिया था उसके तर्ज पर थर्ड फेज की बहाली। देखिए महागठबंधन की सरकार थी, उनके नेतृत्व में चल रही थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो मुख्यमंत्री तो वही है, अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं। उनको बिहार के नौजवानों के प्रति अगर है आस्था, जैसे महागठबंधन 17 महीना में इतनी बहालियां की, तो हम उनको कौन रोकता है इसमें बहाली करने के लिए। हमारे छात्र कह रहे हैं जो सेकेंड थर्ड फेज का जो हमारा है जो प्रक्रिया में है, आप उसको अविलंब कर दीजिए, ये तो मांग उनका जायज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जाना चाहिए, करना चाहिए। अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद करेंगे सूर्यकांत पासवान। हम देखिए जितने भी अभी सड़क पर आंदोलन हमारे छात्र लोग कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, इन सारे सवालों को हम इकट्ठा कर रहे हैं और इसको सदन में हम पुरजोर तरीका से, इसको हम जितने भी लेफ्ट के विधायक हैं हम सब लोग मिल बैठ करके इसको रखने का काम करेंगे। देखिए तमाम अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट कर रहे हैं और ऐसे में उस मुद्दे को बिहार विधानसभा में उठाने का काम करेंगे तमाम लेफ्ट के विधायक। ऐसे में भाकपा विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान थे, जमकर एनडीए सरकार को निशाना साधे थे और यह साफ मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा मांग उठाई जा रही है वो बिल्कुल जायज़ है और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो या फिर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से खबरियार इसको देखते हो डोमिसाइल नीति की मांगे हो, उन तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के हित में बातें करते सूर्यकांत पासवान तो वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है, उनकी मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।